आखें वेद पाठ पुराण। हुण वेद हुंदा है विजडम ज्ञान, पाठ पढ़ना लैसन, लैसन नूं कहिंदे ने पाठ, पुराण द रिलीजियस टेक्स्ट, नॉट जस्ट द हिंदू पुराण, एवरीथिंग इंक्लूडेड। वर्ड एक कल्चर नाल जुड़िया हो सकता है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच गुरु अमरदास द थर्ड नानक ही सेज, प्रथाए साखी महापुरख बोलदे सांझी सगल जहाने। वट एवर गुरु और द यू नो जिहड़े साडे सियाने लोग होए ने, वाइज पीपल, वट एवर दे आर टीचिंग यू, इट मे बी एड्रेस टू समवन बट इट्स एप्लीकेबल टू ऑल, उह सारा लई हुंदा। जे किते बाणी च इह लिखिआ आ कि पंडिया कवन कुमत तुम लागे, पंडता केड़े माड़े कम्मां च पिआ है, इट्स नॉट, इट डजंट मीन किसे पंडित नूं किआ है, इट्स एप्लीकेबल टू ऑल, मेरे ते भी। पंडित इज स्कॉलर, स्कॉलर नूं कहिंदे पंडित, एवरीवन थिंक्स दैट ही इज अ स्कॉलर, हर कोई कहिंदा मैं ही पंडित हां, मेरे नालों वध ज्ञान किहनूं है, इट्स एप्लीकेबल टू ऑल। सो पुराण हेयर मीनस रिलीजियस टैक्सट, वह किसी भी फेथ के हो सकते हैं, कोई भी किसी भी ईरा किसी भी टाइम में लिखे हो सकते हैं। तो जिथे गुरु जी ने पिछे कहा कि अमुलो अमुल आख्या ना जाए, दैट प्रेशियस स्टेट ऑफ माइंड वेयर वर्च्यूज रिजाइड, वेयर प्योरिटी रिजाइड, जिथे सच्चियारता है, इट नैवर कम्स बाय वर्ड्स अलोन, सिर्फ बोलन नाल नहीं हुंदा, क्योंकि बोलन नाल बड़ा कुछ हो रहा है। बोलन वालिया ने वड्डे वड्डे ग्रंथ लिख दिते, बहुत वड्डे ग्रंथ ने, उन्होंने पढ़ने वाले भी बहुत ने। तो इत्थे देखो, न्यूमरस टॉकर्स रोट ह्यूज अमाउंट ऑफ विजडम इन टैक्सट, बड़ा वड्डा बहुत कुछ टैक्सट लिखे जा चुके हैं, पुराण ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। दीज आर वर्ड्स, रिमेंबर दैट। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी मोर दैन 5000 शब्द, ये पूरी बाणी जिहड़ी है ये लिखी हुई है, अखर लिखे हुए हैं। इन्हां अखरां दे विच ही गुरु साहब आप अपनी बाणी फरमान कर देंदे ने, ये अखर खिर जाएंगे, वो अखर इनमें ना है। Until you read and internalize these words, nothing positive can happen within you. उदों तक कुछ भी नहीं होना। ये तो गुरु की बाणी कह रही है कि केवल पढ़ते ना रह जायो, क्योंकि अखरां नूं पढ़ पढ़ के लोग सिर्फ ईगो इकट्ठी करते हैं, होमे इकट्ठी कर लेंगे। किसी ने पुराण पढ़ ले, किसी ने शास्त्र पढ़ ले, वेद पढ़ ले, सम अदर वॉज रीडिंग एंड यू नो स्टडिंग बाइबल एंड कुरान एंड ऑल दोज यू नो स्क्रिप्चर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, बट जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, मैं ग्रंथ भी पढ़ ले है। सो असी लिख गए ह्यूज अमाउंट ऑफ विजडम, एक ग्रंथ भी छड़ दो, ऑल दोज वेद पुराण स्मृतियां शास्त्र एंड बाइबल इंजील वट एवर, लुक एट द मॉडर्न सोसाइटी, you can find millions of blogs on wisdom, how to get rid of your ego, how to remain calm, how to control your anger. last sunday we discussed about it, ek story bhi apa share kiti si ki gallan naal anger control nahi hunda, jinna ne kitabaan likhiyan oh aap pata nahi kinne ek anger te krodh naal bhare hoye hai, तो अंदरों जड़ी वो अवस्था है, दैट स्टेट ऑफ माइंड कैन नॉट बी अचीव्ड बाय मियर वर्ड्स, मियर वर्ड्स या टॉकिंग, सिर्फ गल्लां बातां दे नाल ते बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा चुके ने। अगली पंक्ति मेरे नाल बोलियो, आखें पढ़े करें वखियाण, पढ़े हुंदा रीड करना, करें वखियाण बोलना, मेरे वर्गा कथा कर रहा है इत्थे बैठ के, तो बोलन नाल ते असीं पढ़ भी रहे हैं, ऑल दोज ग्रंथ, दोज big books of wisdom have been written throughout the history of mankind in words. Words nahi. Je aina gyan duniya ch hai, why there's so much of crime and hatred and envy and jealousy throughout the world? Kyun hai? Kyunki odi implementation nahi hai. Kyunki amul gun da vapar nahi kita. Never traded those divine virtues within. Unhon te leke nahi aaye. जिन्हां ने अपने अंदर गुण लियांदे, जरूरी नहीं कि उन्होंने बहुत किताबां पढ़ियां सी, कोई जरूरी नहीं, कोई यूनिवर्सिटी च नहीं गए कबीर, किसी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज में रविदास नहीं गए, सो इट्स नॉट अबाउट द आउटर एजुकेशन, हाउ मेनी बुक्स आर यू रीडिंग, ये तो है कि अंदर किन्ना उतरे है, किन्ना कि ट्रेड किया है अमुल गुणा का, हाउ मच हैव यू एब्जॉर्ब्ड इन दोज गॉडली प्रेशियस डिवाइन वर्च्यूज, जो नहीं किया तो फिर गल्लां बातां दे नाल लोग पढ़ते भी नहीं,
And numerous are those who talk about what is written in these books of wisdom, which have been written throughout the history. बहुत सारी books पढ़े करे वखियान, वेद पुराण लिख के, पर उदे चो निकल कुछ नहीं रहा. अगे बोलियो जी, आखें बरमे आखें इंद. Remember, when you read the literal translations of these lines, एदे चे आ जांदा कि ब्रह्मे भी कहंदे ने, इंदर भी कहंदे ने. If you go to the Sanatan culture, the Hindu culture, where Brahma and Indra comes, there's one Indra, there's one Brahma, there's one Vishnu, one Shivaji. Brahma means plural, baut sare, Brahma. Brahma literally means the creator. As in Sanatan, they believe that Brahma wrote the four Vedas, unne char Vedas jede hai ge o likhe. To creators of wisdom, asiya, bandai. ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ. ਐਨੀ ਅਦਰ ਪਰਸਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਬਾਰਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ. ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ. ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਦੇ ਆਹ ਸਕਾਲਰਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਬਣ ਗਏ. ਦੇ ਹੈਵ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਐਜ਼ ਦਾ ਮੈਸੇਂਜਰਸ ਆਫ ਗੋਡ, ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਮੈਸੇਂਜਰਸ ਆਫ ਗੋਡ. ਅੱਜ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਬਰਮੇ ਬ੍ਰਹਮੇ creators, Brahma hunda creator. So here Brahma means creators of wisdom. Galla baata naal te bahut log wisdom create kar jande ne, bahut. You may have noticed many people in your own society, in your own family, in fact those who talk too much and they give so much of wisdom to each and every person, and then you are thinking in your mind, pata mainu tera kinna ke tu hai ga, pata hai. Galla baata te bahut hai. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ. ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਨ ਟਾਕਸ ਵੀ ਆਰ ਟੂ ਗੁੱਡ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ. ਬਟ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਦ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੈਟ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਆਚਰਣ, ਕੈਰੈਕਟਰ, ਐਕਸ਼ਨ, ਵਿਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਚ ਚੰਗੇ. ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਮਨੋਂ ਕਸੁੱਧਾ ਕਾਲੀਆਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੇ ਕਾਲੇ, ਡਾਕ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਬਾਹਰ ਚਿੱਟਵੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਚਿੱਟੇ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਾਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਵਾ. ਤੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਬਣਿਆ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ. ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਚਿਆਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ. ਦੈਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਕਮ ਥਰੂ ਮੀਅਰ ਟਾਕਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਾਈ ਟਾਕਿੰਗ ਇਟਸੈਲਫ ਲੋਕ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ, ਇੰਦਰ ਬਣ ਗਏ. ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬੜੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੈਟ ਫੈਮਿਲੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਦੈਟ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅੰਡਰ ਹਿਜ਼ ਔਰ ਹਰ ਈਗੋ, ਉਹਦੀ ਈਗੋ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਦੇਖਦੇ ਆ. ਇਹ ਜਸਟ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇੰਦਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਬ੍ਰਹਮੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ. ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਦ ਕਿੰਗਸ ਆਫ ਹੈਵਨ, ਵੀ ਆਲ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦੈਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਦੈਟ ਪੀਸ, ਦੈਟ ਪਿਓਰਿਟੀ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਇਟ ਨੈਵਰ ਕਮਸ ਥਰੂ ਵਰਡਸ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਸਿਟਿੰਗ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕੈਨ ਬੀ ਪਿਓਰ. ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੇਲਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ. ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਦੈਟ ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਸਿਟਿੰਗ ਸਾਇਲੈਂਟ, ਹੂ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਐਟ ਆਲ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਓਰ ਹੋਣਾ. ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟ ਜਸਟ ਬਾਏ ਵਰਡ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ. ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੈਟ ਵਿਜ਼ਡਮ. ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵਾਈਜ਼, ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਵੈਰੀ ਨੌਲੇਜੇਬਲ, ਬਟ ਯੋਰ ਨੌਲੇਜ ਓਨਲੀ ਵਰਕਸ ਵੈਨ ਇਟਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ. ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਇਟਸ ਅਪਲਾਈਡ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਮੇਕ ਯੂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਇਨਸਾਈਡ ਆਊਟ. ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ. ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮੇ. ਸੀ ਹੇਅਰ, ਮੈਨੀ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਟੂ ਬੀ ਦ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਬਿਕਮ ਦ ਕਿੰਗਸ ਆਫ ਹੈਵਨ ਜਸਟ ਇਨ ਦੇਅਰ ਟਾਕਸ ਵਰਡਸ. ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਬਲੌਗ ਨੇ. ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਚੈਨਲ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਆਈ ਹੈਵ 1 million ਫੋਲੋਵਰਸ. ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ. ਫੋਲੋਵਰਸ ਬੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮਾਰਗ ਪੰਡਿਤ ਗਏ ਪਾਛੇ ਭਰੀ ਬਹੀਰ. ਪੰਡਿਤ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਵਾਈਜ਼ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ,
ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡਾਂ 'ਚ ਤੋਰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਉਕਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਸੋਚਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬੀਰ, ਇਟਸ ਹਾਰਡ ਇਟਸ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੂ ਚੇਂਜ ਯੋਰ ਸੈਲਫ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਔਨ ਦਿਸ ਰੂਟ ਯੂ ਵਿਲ ਨੋਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਊਡ ਹੇਅਰ, ਇਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਕਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਦਾ ਜਰਨੀ ਟੂ ਵਾਕ ਇਨਸਾਈਡ ਟੂ ਵਰਕ ਯੋਰ ਓਨ ਸੈਲਫ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਟੂ ਅਦਰਸ ਇਨ ਵਰਡਸ। ਤੋ ਲੋਕੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਦੈਟ ਵੀ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਟੂ ਬੀ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਮੇਰਾ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਗਿਆਨ 'ਤੇ, ਬਟ ਦੈਨ ਅੰਦਰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ, ਅੰਦਰ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਇੰਡ, ਦੈਟ ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਕਾਇੰਡਨੈਸ, ਦੋਜ ਡਿਵਾਈਨ ਵਰਚੂਜ, ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ, ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਡਿਵਾਈਨ ਵਰਚੂਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਫੋਲੋਵਰਸ, ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਰੀਡਰਸ, ਯੂ ਆਰ ਸਟਿਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਓਵਰ ਦੇਅਰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਲਈ, ਬੜੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਇੰਦਰ ਹੋਏ। ਦੇ ਆਰ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਹੂ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਦ ਕਿੰਗਸ ਆਫ ਹੈਵਨ, ਮੈਨੀ ਹੂ ਹੈਵ ਕਲੇਮ ਟੂ ਬੀ ਦ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ ਜੀ, ਆਖੇ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਫਨ ਟੇਕ ਇਟ ਫੋਰ ਗ੍ਰੈਂਟਿਡ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਸ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 25 ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਓ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ 40 ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ 40 ਦਿਨ 40 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਬਾ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਬਾਬੇ ਸੀ ਦੋ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਗੋਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਔਰਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੇਲੇ ਵੀ ਝੱਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਗੋਪੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਐਜ ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਸੀਨ ਮਹਾਭਾਰਤ ਔਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਔਰ ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਹਰਡ ਦ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਸੋ ਗੋਪੀਆਂ ਉਹਨੇ ਆਲ ਦੋਜ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੂ ਲਿਵਡ ਇਨ ਗੋਕੁਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਰਵੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੀ 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 ਭਗਤੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਗੋਬਿੰਦ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਆਖੇ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਬਿੰਦ, ਇਟਸ ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਬ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇ ਯੂ ਨੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਲੋਵਰਸ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਗੋਪੀਆਂ ਹੇਅਰ ਦਾ ਫੋਲੋਵਰਸ ਸੀ, ਹੇਅਰ ਗੋਪੀ ਹੇਅਰ ਦਾ ਡਿਸਾਈਪਲ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਵਰਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਗੋਡਸ। ਮੈਨੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਮੇਡ ਗੋਡਸ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਬਣ ਚੁੱਕੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਰੱਬ, ਆਸਾ ਰਾਮ ਰੱਬ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ, ਹਰ ਕੋਈ ਗਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਵਰੀਵਨ ਸਿਟਿੰਗ ਐਨੀ ਪਲੇਸ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਬਣ ਗਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟਿਆ, ਕੋਈ ਚੇਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੱਬ, ਅੱਗੋਂ ਚੇਲਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ, ਇਸਲੇ ਉਹਨੇ ਜੋਗੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਰੱਬ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਨੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਮੇਡ ਗੋਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਦੇ ਆਰ ਡਿਸਾਈਪਲ ਜਸਟ ਇਨ ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਟਾਕਸ। ਡਿਸਾਈਪਲ ਬਣਨਾ ਸੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਡਿਸਾਈਪਲ ਉਹਦੇ ਫੋਲੋਵਰ ਬਣਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ, ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ, ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ, ਇਨਵੈਲੂਏਬਲ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਫੋਲੋਵਰ ਬਣੀ ਦਾ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋ ਛੰਦਾ, ਤੁਦ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਿਹਦਾ? ਬੰਦਾ ਮੀਨਸ ਫੋਲੋਵਰ, ਡਿਸਾਈਪਲਸ, ਵਨ ਹੂ ਹੈਸ ਸਰੈਂਡਰਡ ਹਿਮਸੈਲਫ ਟੂ ਸਮਵਨ, ਨਾਟ ਅ ਪਰਸਨ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਅ ਪਰਸਨ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਹੀ ਮੇ ਬੀ ਲਾਈਕ ਹੀ ਸੀਮ, ਹੀ ਕੈਨ ਸੀਮ ਵੈਰੀ ਵਾਈਜ਼। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਾ ਆਖੇ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਾਣ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਟੈਕਸਟ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗੋਪੀ ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ ਜੀ, ਆਖੇ ਈਸਰ ਆਖੇ ਸਿੱਧ। ਈਸਰ ਹੋ ਗਏ ਦਾ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰਸ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਸਰ, ਈਸ਼ਵਰ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਚੱਲਣੀ, ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ,
ब्रह्मा क्रिएट करता है, विष्णु पालता, शिवजी मारता, दिस व्हाट दे बिलीव इन सनातन. बट व्हेनेवर दीज टर्म्स आर यू नो इंक्लूडेड इन गुरबाणी, रिमेंबर इट्स नॉट अबाउट टू ऑथेंटिकेट देयर देयर विष्णु, देयर ब्रह्मा, देयर शिवजी. ओदा एक कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, गुरु जी दस रहे हैं कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट यू मस्ट हैव नोटिस कि यह साडे अंदर हुंदा है. कई बार गल्लां बातां नाल ही, बिकॉज आई हैव डन सो मच फॉर माई फैमिली, आई थिंक इट्स मी हू इज रनिंग दिस फैमिली, मैं ही है बस, मैं ना होया तो खत्म हो जाएगा. इट्स मी जिदे करके गुरुद्वारा चल रहा है, जे मैं ना आया तो बस कुछ भी नहीं, इतने संगत आनी कितने, इतने तो कुछ होना ही नहीं, इतने कितने लंगर चलना, इतने किसी ने गड्डी पार्क करनी, नोबडी इज गोइंग टू कम हियर. इतने इंद्रजीत सिंह कथा करता तो आंदे, ये की होया, ईश्वर बन गया कि मैं ही हाँ. गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी के भगत रविदास की बड़ी सोहनी गल कहते, वह कहते जिमी पुछे असमान फरीदा खेव टिकिन गए. He uses a metaphor over there. एक इमेज क्रिएट कर देने, वो कहते जमीन, the earth is on a lower level, the skies are above it. So a person who is sitting above can see on a vast thing, so उधर जाके देख सकता है, look and see. तो जमीन जेड़ी है ना, the earth asks the sky. जमीन ने आसमान नु पूछिया, because you are above me, you can look from that height on all the corners of earth. And just tell me, Khevat kin gaye? Where are those people who claim that we are the ones who are, you know, running this world? Jede as duniya nu chala rahe hain. Khevat kehnde ne malaan, boatman. Idhro leke udhar janda hai boatman. Nu lagda ki main hi hai, jeda paar kara rahe hain, nite paar nahi si hona. Boatman. Where are those people who claim that they are running the world? Mere to bina nahi chalni duniya. Khurd purd ho jaani. अगो जवाब दिता फिर आसमान ने, जालन गोरा नाल उलामे जी सहे, दे आर रोटिंग इन देयर ग्रेव्स, अपनी कबर च पे सड़दे ने, ते लोग उन्होंने नाम से लानता पाते, नो वन रिमेंबर्स देम काइंडली, नेवर. जेडे लोग बोटमैन बन जाते हैं, जिन्होंने लगता कि मैं ही है, अपनी ही चलाते ने, लोग उन्होंने कोई बहुते खुश होकर तो नहीं याद करते. ईवन वेन दे आर अलाइव, लोग ये कहते हैं कदों बड़ा टलेगी, कदों जाएगा, कदों मरेगा, यही कह रहे कि तेरी जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट ईगो जिन्हें मैंने इन्ना को बनाता कि मैं भाई गल्ला. तो ईश्वर बन गए लोग, केयर टेकर्स ऑफ द वर्ल्ड, सिद्ध सिद्ध हुंदे ने इन द योगीज. सिद्ध इज अ टर्म विच इज यूज इन योगीज, योगी मत. सिद्ध इज परफेक्शन, सिद्धता होंगी है समथिंग परफेक्शन. सिद्ध हो गए दोज परफेक्ट वर्ड्स. गल्ला किन्ने परफेक्ट ने लोग, मेरे तो कोई उड़ता ही है नहीं. That's why I go on Facebook and challenge each and every person over there. Tumhi galat, tumhi galat, tumhi galat, because I am perfect. I am the caretaker of the world. I am perfect. I am wise. Sab kuch main hi hai. Jadon tak ye main hai, odon tak ithe koi gun nahi. Koi pala nahi. Nothing changes in. See here, the talkers, just galat jade, aakh aakh rahe livlaye. Those who are talking and trying to achieve that oneness with God just by words, जिहड़े गल्लां बातां नाल सच्यार होना चाहुंदे ने, उन्हां दा इह है कि they claim to be the caretakers of the world and perfect in everything, they are perfect. तो जिथे perfection ही आ गई, there's no more space to improve. And remember, मैं पहले तुहानू कहा, sikhi is the continuous unending process of self-improvement. जदों तुसीं इह सोच लिया, I am perfect, you are no more a sikh, तुसीं sikh नहीं रहिंदे. Sikh is one who learns, who changes, improves. Jada andar transformation leke aunda. To sikhan di gal ethe apa e karne ki bhai main sikhna hai. Main perfect nahi hai. I am not the one who is running the world. Par jinna de man ch ye aa gaya ki galla naal hi ho jana sara kuch. Ki unhon nu fir lagan lag gaya ki main paath kar le, main seva kar layi hai, mainu katha karni aa gayi, mainu kirtan karna aa gaya, main hi hai bas. Bahut aaye. Whenever it comes into your mind that it's me who's running the world, whenever it comes into your mind that I'm the most handsome or beautiful person in the world, whenever it comes in your mind that I'm the wisest person on the face of this planet, whenever it comes into your mind that I'm the richest, wealthiest, strongest, powerful person on this earth, do one thing. Go and visit a graveyard near you. एक शमशान लागे होना कोई ना कोई उठे चले जायो एंड सी
how many people which were better than you in the past are lying there. And see and remember and reflect on this, how many much, much better people are going to come here after you. Jis asan hum baithe kete bais gaya. It's not me. Mere naal sohne taakatwar siyane bahut aaye, bahut aune hai. Itta ginti vi nahi honi. No one knows. Aya gaya moya nao piche patal sadeo khao. We come here, we go back. कौन जानता किसी ने इतने किसी ऐसा कोई नहीं जिन्हों सारे दुनिया सारी हिस्ट्री जानती हो गल्ला बातों के नाल कोई ईसर बनिया फिर केयर टेकर्स ऑफ द वर्ल्ड किसी लगता कि वी आर परफेक्ट इन एवरीथिंग. अगली पंक्ति मेरे नाल बोलियो जी, आखे केते कीते बुद्ध. बुद्ध हुंदा या एनलाइटेंड वन, जिदा गौतम बुद्धा होया जिन्हों अकल जिन्हों जिदा दिमाग रोशन हो गया. So Buddha is enlightenment, Buddhata, enlightenment. Buddha ho gaya the enlightened ones. So in mere talks, galla bata hai, bade Buddha ban jande, bade sare Nanak ban gaye, galla chi. Bahut sare bade 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 sikho, sant ho jande, brahm gyani, galla nahi. Kyunki ji phalani jagah inhone tap ki, tapasvi ho gaye. Galla bata hai, bahut log enlightened ho chuke, ye ta Buddha hai. So in mere talks, many claim to be the most bright-minded or the enlightened ones. Agli pankti mere naal bolyo ji, aankhe danav aankhe deva. Danav hunde devils, bure log, pede log. Dev hunde the angels. Ab galla bata, lokan ne kaiyan nu danav bana ditta. Eh vi rakshas, oh vi rakshas. So galla bata naal asi piche vi Japji Sahib suna aaye haan ke punni papi आखण ना है, कर कर करना लिख ले जा. तुसी देवते या दानव गल्ला नाल नहीं बन जांदे. लो जी मैनू ते डीमोनाइज करता, मैनू तो सारी दुनिया च मैनू दानव बना दिता. कहना डीमोनाइजेशन किसी दी, किसी नू इन्ना बुरा प्रोजेक्ट कर दिता. ही हैज यूज्ड ऑल हिज पावर, ऑल दैट मीडिया, एवरीथिंग टू डीमोनाइज मी. मैनू डीमन बना दिता है. किसी दीयां गल्लां नाल तुसी डीमन नहीं हो जाना. ते नाल दे नाले भी याद रखे, बहुत ही लोग प्रेज करते, अप्रीशिएट करते, वरना तुसी एंजल नहीं हो जाना, देवते नहीं हो जाना. इट्स कंटीन्यूअस अनएंडिंग प्रोसेस ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट. उन्होंने सिखी कहते हैं सतगुरु जी फरमान करते, इन टॉक्स वी मे एस्टैब्लिश समवन अ डेविल एंड सम अदर्स एंजल्स. अगली पंक्ति बोलियो, आखे सुर नर मुन जन सेवा. सुर नर देवत्या नूं कहिंदे आ, जिदां बहुत सारे 33 करोड़ देवी देवते मन्ने जांदे हिंदू धर्म विच. मुन जन मुनी, द सेजेस, द सेंट्स, दोज हू क्लेम देमसेल्फ टू बी सेंट्स, जिहड़े बहिंदे लोकी उन्हां नूं जाके मत्था टेकदे आ, उन्हां नूं सर्व करदे, सेवा करदे आ. सो एम्प्टी क्लेम्स ऑफ टॉक्स मे मेक पीपल सर्व दोज एसर्टेड टू बी सेजेस एंड सेंट्स. जदों असीं देखदे आ, मेनी टाइम्स वी फील वेरी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड हाउ अ पर्सन कैन गो टू दैट मैन और वूमेन एंड उन्हें जाके मत्था टेकदा है. तो यह कोई सरप्राइज होने वाली गल नहीं है. असी इतों बड़े खाली होंगे हाँ, तो कई बार गल्ला बातें जी आके असं किसी को मत्था टेक दें. वी स्टार्ट सर्विंग दोज पीपल. सतगुरु अगे फुरमान कर दे, केते आखे आखण पाहे. तो कई लगता असी कह कह के आख आके ही अंदरों नू पा लवांगे, सच्यार हो जावांगे. वी विल बिकम गुड, बैटर, वी कैन इंप्रूव जस्ट बाय टॉक्स. कि मैंने वाड़ कर ले, मैंने गुरुद्वारे जाया, बहु तीर्थ पव्या ते तो लव्या. इज टॉकिंग रबिश गोइंग टू ऑल दोज पिलग्रिमेजेस. गुरु नानक साहब कहते, कां वांग क्रोइंग लाइक द क्रोज, क्रो वांग कां वांग किसी नूं चंगा नहीं लगता. मैं हेमकुंड साहब भी जाया, मैं खजूर साहब भी जाया. यू आर काउंटिंग, you are feeding your own ego. Sadhguru kehnde ne, many such talkers try to become truthful, pure within by mere words. Kete aankhein aankhan paan, aankh aake assi pa lavange. Agli pankti bolyo, kete keh keh uth uth jaahe. Te assi inna gallan vich hi aaye te chale gaye. We go back, we spend our life useless talks that I am perfect, I am the one who's running the world, I am the caretaker of this family or this world. मैं
मैं ही कर लवांगा, मैं इना ज्ञान ले लिया, मैं बर्मा, मैं क्रिएटर ऑफ द विजडम। तो ये ची आके चले गए। मोस्ट स्पेंड देयर एंटायर लाइव्स इन सच एम्प्टी टॉक। वी रियली स्पेंड आवर लाइफ इन एम्प्टी टॉक। कभी देखियो ज्यादातर असी मोस्ट ऑफ आवर टाइम जेड़ा वो गल्ला बातें कढ़ जाने हैं, कोई पॉजिटिव कोई कंस्ट्रक्टिव अंदर कोई काम नहीं होंगे। गल्ला बड़ी असी सारे एतवार नू आ रहे हैं। अबाउट 32 वीक्स हैव पास डिस्कसिंग जपजी साहिब। जे मैं अपने वाल देखा, हर किसी अपने वाल देखना चाहिए। इन्ना कुछ असी सुन दे बोल दे, वी गो टू गुरुद्वारा, वी मीट सो मैनी पीपल, किन्ना कु टाइम उस सारे दे विच्चों वी हैव रियली यू नो इनवेस्टेड इन अवर सेल्फ इंप्रूवमेंट, कि असी इंप्रूव भी हुए हैं। जे नहीं हुए तो यही हो रहा कि कह कह उठ उठ जाए, कहने तो उठ के चले जाने, ते कहानी खत्म हो जाती। अगली पंक्ति बोलो जी, एते कीते होर करे, जेड़े होए ने सिमिलर वंस होर हो जाना है। जे बड़े लोग एह जे होर जिन्ने मर्जी असी काम कर लीए, सो देयर मे कम मोर हु क्लेम द सेम वे। पंडित वेद ब्रह्मे इंदर, वी आर द किंग्स ऑफ हेवन, असी क्लेम कर सकते हैं। पर की हुंदा है फिर, ता आख न सके के ई के, आख न सके, नॉट बाय मियर वर्ड्स। ओ जड़ी प्रेशियस स्टेट ऑफ माइंड, अमुल गुण, अमुल व्यापार, अमुल व्यापारीए वाली जड़ी स्टेट है, ओ गल्ला नाल नहीं आउणी। ओ केवल उस ट्रेड नाल आउणी है जो गुरु दे ज्ञान नाल होनी। ट्रेडिंग योर मन विद ऑल दोस डिवाइन वर्च्यूज। अंदर अंदर गुण आने चाहिए है, विकार छड़ने चाहिए ने। इवन देन द फैक्ट रिमेन्स दैट द स्टेट ऑफ इनर एनलाइटनमेंट ट्रूथफुलनेस कैन नॉट बी अचीव बाय मियर टॉक्स। तो किन्ने लोग आउण किन्ने चले जाण, दुनिया इधर दी उधर हो जाए, मैं किन्नियां भी गल्लां कर लवां, द फैक्ट रिमेन्स द सेम दैट आई हैव टू इंप्लीमेंट दैट विजडम इन माई लाइफ, ओनली दैन आई कैन बी ऑन दैट एनलाइटनमेंट पाथ, मैं उत्ते आ सकदा। अदरवाइज आया गया मोया नाओ, किते कह कह उठ उठ जाए। अगलियां पंक्तियां जो अखीरलियां ने मेरे नाल बोलियो जी, जे वड भाव है ते वड होए। सो की करना चाहिदा है, रादर देन लिविंग इन दैट वर्ल्ड ऑफ अवर वर्ड्स, व्हाट शल वी डू, की करिए, वो इत्थे दस्या है। जे वड व्हाटएवर भाव है प्लीज पाउंदा है, जो उस रब नूं पाउंदा है, व्हाटएवर प्लीजेस दैट लॉर्ड, ओ डिवाइन हुक्म जो तुहानू कहिंदा आ, ते वट लाइकवाइज ओ करो, होए ओहो जिहा तुसी करन लग जाओ, बिकम ओहो जिहे बन जाओ जिहो जिहा रब तुहानू चाहुंदा आ, पाउंदा जिहो जिहा उहनू, जिहो जिहा उहनू पसंद आउंदा आ। इह ना सोचियो कि किसे बाबे ने किसे स्टेज तों इह कहा कि रब नूं जिहड़ा भा गया उहनू रब भगती दे दिंदा आ, इह गलत अर्थ नहीं। इहदा मतलब इह है कि ओह तां बस तुसी करी जाओ, अगे जी मेरे ते किरपा ही नहीं होई, तो मैं बड़ा चंगा सी, रब ही गलती करी बैठा है। नहीं, तुसी ही वह करो जो उन्हें पाउंदा है, सोई कराए जो तुद भावे, का मतलब यह है कि रब्बा जो तेनों पाउंदा वह मेरे को करा, मेरे को ही होवे। शुड डू ऑल दोज थिंग्स विच प्लीज यू, जो तेनों चंगी लगती। तो वह जो बन जाना, यू हैव टू बिकम, बिकम इज द वर्ड, तुम बनना पेगा, कहना नहीं है, गल्ला बातों नहीं, क्लेम नहीं करना। You have to become, transform yourself as the Lord within you wants to be. Jive oh chahunda hai, jive ohnu paunda hai. There's no other way. For what? Nanak jaane sacha soye. Jehda oh ja ban janda hai, ohi realize karda hai, ohi janda hai. Us Rab nu, us sacche Parmatma nu apne andar. This is the way how you realize that divine self or that creator within. अगली पंक्ति बोलो जी, जे को आखे बोल बिगाड़ा। इस तो ऑपोजिट, इस तो उल्टा, इफ समवन इज ट्राइंग कि मैं गल्ला बातां नाल बोल बिगाड़, इन ईगो अहंकार दे विच बोलना कि मैं ही है, बस मैं कर लांगा अपनी अकल नाल। बट इफ समवन स्टिल ट्राइज टू क्लेम इन हिज ओन ईगो टू अचीव दिस विद ओन वर्ल्डली विजडम, जे अजे भी मैनू यह लगता है कि नहीं मैं अपनी अकल नाल बन सकदा या चंगा अंदरों, ते फिर की होएगा, ता लिखी है सिर गावार गावार। गुरु नानक कहंदे लिखी है अंडरस्टैंड, मन लो जान लो, सर्टिफाइड है, उस तो वड्डा मूर्ख होर कोई नहीं है। इस सिरे दी मूर्खता है,
सिरे का गवारपन है, सिरे का सिर हाइएस्ट. सो दैट्स द हाइट ऑफ फूलिशनेस इफ आई बिलीव दैट मैनू ओह जहा नहीं बनना जहा जहा मैं रब चाहता है मैं उन्होंने फॉलो ना करा हुक्म नू, पर मैं अपनी अकल के नाल क्योंकि मैं बड़ा सियाना मैं बड़ी किताबा पढ़िया मेरे नाल दुनिया चल रही है तो मैं ये अपने आप ये नहीं होना. दैट ईगो ऑलवेज किल्स यू, इट स्टॉप्स द ग्रोथ, इट स्टॉप्स द ट्रांसफॉर्मेशन, ये उल्टी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी है. इट इज द हाइट ऑफ फूलिशनेस एंड नथिंग एल्स. द वर्ल्डली वाइज ईगो डजंट हेल्प इन द वे ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. सेल्फ रियलाइजेशन उत्थे नहीं आती जिथे मैं है. हरजू हंकार न पावई वेद कूक सुना वहे. जिन्ना भी ज्ञान जिड़ भी धर्म ग्रंथा लै लो उहदे च इही आएगा मैं छड़ के ही रब नूं मिलिया जांदा है. देस नूं आदर दे तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूं. तो अपने आप नूं उस नूं सौंप देना फिर ही यह व्यापार हुंदा है. मन बेचै सतगुर के पास तिस सेवक के कारगर. मन बेचण दा मतलब यही है कि मैं मेरे मन च जो है मैनूं नहीं पता मैं उहदे वल देखना ही नहीं. जो उस परमात्मा नूं पाउंदा है वह मैं करना है कि जेवड़ पावै तेवड़ होए. दैट्स माई वर्क विच आई हैव टू डू एवरी डे. दैट्स द कंटीन्यूअस अनएंडिंग प्रोसेस ऑफ सैल्फ इंप्रूवमेंट कि मैं ओहो जहा होना आ जहो जहा उन्हू पाउंदा है. वट एवर प्लीज दैट डिवाइन क्रिएटर विद इन मी आई हैव टू बिकम लाइक दैट. ये करना है. यही जप जी साहब की पूरी बाणी का सार है. थ्रू आउट यही चल रहा है कि वो सचियारा होइए गुरु कृपा करे.